मेरे एक नॉन टेक्निकल फ्रेंड ने मुझसे पूछा, जब भी हम कस्टमर केयर में नंबर डायल करते हैं 1 2 3 किसी भी नंबर पर डायल करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर आंसर कैसे दे देता है, उसे कैसे पता चलता है कि हम ये नंबर दबा दें। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन सिंह पूना और आप देख रहे हैं टेक्निकल पूना जी। फ्रेंड्स, तो आज मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, जब भी आप कस्टमर केयर में कोई भी नंबर डायल करते हैं तो उसको एक सही रिस्पॉन्स कैसा आता है। फ्रेंड्स, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूँ, जब कस्टमर केयर में आप नंबर को डायल करते हो, सपोज करो आपने कस्टमर का नंबर डायल किया, उसके बाद एक नंबर दबाया, दो नंबर, तीन नंबर दबाया, तो हर एक के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। फ्रेंड्स, ये होता कैसा है? फ्रेंड्स, एक नॉन टेक्निकल पर्सन को ये समझना बहुत टफ होता है, तो मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स कि जब भी आप कोई 1 2 3 नंबर कस्टमर केयर में डायल करते हैं तो उसे क्या होता है कि वहाँ पर एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है, उसका रिस्पॉन्स कोई आदमी नहीं देता, एक सिस्टम देता है जिसे कंप्यूटर कहते हैं या सर्वर कहते हैं, एक सर्वर से कनेक्टेड होता है, वो उसका रिस्पॉन्स देता है। तो जनरली होता है क्या है कि वहाँ क्या होता है कि एक जनरली एक सॉफ्टवेयर होता है, आज की डेट में एनएलयू यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज होता है, बट जब बेसिकली जो मेन यूज होता है उसको बोलते हैं आई वी आर सिस्टम। IVR सिस्टम होता क्या फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स, अभी जनरली करता क्या फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि DTMF नाम के एक सॉफ्टवेयर को यूज करता है, प्रोसेस का यूज किया जाता है, जो क्या करता है, सपोज करो फ्रेंड्स आपने कोई नंबर डायल किया, सपोज करो मैंने बैंकिंग के लिए कस्टमर केयर में डायल किया, मैंने पहला नंबर दबाया, तो पहला नंबर दबाते ही वो कहता है कि आप एक नंबर दबाओ, दो नंबर दबाओ, तीन नंबर दबाओ, पहला नंबर क्या है कि आपकी अकाउंट के इन्फॉर्मेशन के लिए, दूसरा है क्या है कि आपके क्रेडिट कार्ड के लिए, थर्ड नंबर क्या है डेबिट कार्ड के लिए। तो DTMF क्या करता है फ्रेंड्स, जब भी कोई आप नंबर आपका चाहे टच स्क्रीन है या नॉर्मल सा कोई नोकिया के जो पुराने फोन आते थे, बटन दबाने वाले होते, वो प्रेस करने वाले, की प्रेस करने वाले होते, उसका यूज करते हो, तो जब भी कोई नंबर दबता है 1 2 3 4 5 0 #*, तो हर एक की साउंड अलग अलग होती है फ्रेंड्स, और हर एक की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है फ्रेंड्स। सो इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक नंबर दबाया तो उसकी साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी फ्रेंड्स, और दो नंबर बताया तो उसकी साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, शायद को टू करता होगा, इस टाइप से हर एक नंबर की अलग अलग साउंड होती है फ्रेंड्स। तो हर एक नंबर की अलग अलग साउंड होती है, तो फ्रेंड्स तो सिस्टम जो DTMF होता है IVR सिस्टम के अंदर, वो आइडेंटिफाई कर लेता फ्रेंड्स, सपोज अगर आपने दो नंबर दबाया, तीन नंबर दबाया या कुछ और नंबर दबाया, तो आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस कस्टमर ने ये नंबर दबाया है तो मुझे ये रिस्पॉन्स देना है। सपोज अगर आपने एक नंबर दबाया तो वो कहता है कि आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ये है, या आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, या अपने डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन क्या है, या इसी प्रकार जैसे कहते हैं फोन नंबर होता है, फोन में हम कस्टमर को फोन लगाते हैं, जैसे हमने कोई कॉलर ट्यून सेट करनी है या अपना बैलेंस चेक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हर नंबर को आइडेंटिफाई कर देता है, उसके बेस पे वो रिस्पॉन्स देता है। इवन जब आप कभी देखते हैं अधिकतर 9 नंबर होता है जो कस्टमर केयर से बात करने के लिए होता है, तो ये जनरली ये क्यों होता है, पहला क्वेश्चन तो याद है क्यों होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कहता है कि जब कोई सिस्टम अधिकतर काम कर देगा तो उसके लिए ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत क्यों है, तो वो क्या करता है कि उस नंबर पे एक रिस्पॉन्स देके दे देता है, उससे से काम चल जाता है उसका। सपोज वो कहता है कि आपके अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो आप वो रिस्पॉन्स बता देता है, इतना तो आपका बैलेंस है, तो ठीक है वो आइडेंटिफाई करके बता देता है, तो बहुत ही ईजी वे होता है। तो इससे क्या होता है, एक तो एम्प्लॉयज़ कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं, एक दूसरा क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है, और 24 आवर आपको सिस्टम 24 आवर चलता रहता है तो उसको कभी भी आपको रिस्पॉन्स देता है एक ह्यूमन, जबकि हर बार रिस्पॉन्स देने की चांसेस नहीं होते फ्रेंड्स। तो जब भी ये सिस्टम जनरेटेड होता है फ्रेंड्स, सारा कुछ क्या होता है, सिस्टम जनरेटेड होता है, जब भी आपको नंबर दबाता है सिस्टम उसका रिस्पॉन्स बता के आपको बताता है फ्रेंड्स उस चीज को। तो फ्रेंड्स ये बहुत ईजी था समझने के लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जनरली क्या होता है कि आपको की दबाते हैं, वो सिस्टम उसकी साउंड को पहचानता है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक रिस्पॉन्स देता है। सपोज अगर आपने एक नंबर दबाया, नए नंबर से गया, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देके बता देता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मेरे को लगता है कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन को बहुत ही इजी तरीके में समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन अप, बाय बाय।